तेरी मेहरबानी, उठा ले इसको, इसको उठा ले। ज्यादा गांडे मारने के बाद ना अली का सूझ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार ये व्लॉग तकरीबन कोई सालों बाद ही आ रहा होगा। नहीं और आज का व्लॉग जो है ना वो बड़ा खास है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बना रहे हैं कुछ सामान, क्योंकि हमारे एक प्यारे भाई का है निकाह। तो यार सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दो। और आप गेस करो कि निकाह किसका है। ये देखो सारा सामान तैयार हो रहा है। ये अरम इब्राहिम भी लगे हुए हैं काम करने, और रात के तकरीबन कोई 2 बज चुके हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ इब्राहिम अरम की शक्ल, चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाजवा सुभान अल्लाह, कलरों से बड़ी हुई शक्ल अरम की। और इब्राहिम का फोकस ज्यादा खाने पे है, बनाने में नहीं है, खाने पे फोकस ज्यादा है। और इलियास साहब बना रहे हैं इस वक्त, तजर्बाकार आदमी है। हाँ जी, तजर्बाकार आदमी है। चेक करें क्या चल रहा है इस वक्त, पैकिंग नहीं चल रही। इलियास कितने पैसे? और यार अगर आप लोगों ने बनवानी है ना बिद, स्पेशल बिद, तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। सामान भी चलो हम ले आएंगे, ठीक है, सामान भी हम ले आएंगे। बिद जो पैक करना उसका 10 रुपए हम चार्ज करेंगे, सामान अगर डालेंगे तो सामान के चार्जेस अलग होंगे। हाँ जी, आपने सुन लिया। तो यार अब ये बिद तैयार हो रही है, तो आपको साथ साथ दिखाता हूँ बिद तैयार होते हुए भी। और गेस लाजमी करना है, कमेंट में लाजमी बताना है यार किसका निकाह हो रहा है, ये लाजमी बताना है आपने। यार जो में से बड़ा है निकाह तो उसी का हो रहा है ना, खुदा बना। क्या क्या? जो हम सारों में से बड़ा है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। कौन है? तो यार इब्राहिम ने आपको शायद बता ही दिया, फिर भी आप गेस लाजमी कीजिएगा। नहीं, आप गेस के भाभी के नाम करेंगे ना। यार मेरा सबसे मुश्किल काम है इसमें, सबसे मुश्किल काम, मैं बहुत मुश्किल काम कर रहा हूँ। पता क्या, इनको तरतीब लगा रहा हूँ, सिर्फ ये सेटिंग कर रहा हूँ, बाकी मुश्किल काम तो हम कर रहे हैं। और इससे भी मुश्किल काम जो कर रहे हैं ना वो अली और बासित कर रहे हैं, सिर्फ टोफियां वगैरह डाल रहे हैं। और सबसे आसान काम जो फारक घटिया तरीन काम है ना वो इलियास कर रहा है, ये देखे डबिया बना रहा है। और इब्राहिम अरम तो बहुत ही आसान काम कर रहे हैं ना, बहुत ही आसान काम कर रहे हैं। इब्राहिम सबसे ज्यादा आसान काम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, इब्राहिम सबसे आसान काम कर रहा है। पूछो क्या? खाना खा रहा है, टेस्टिंग कर रहा है कि सामान गलत, इब्राहिम कह रहा है सामान गलत नहीं जाना चाहिए, आगे आगे सामान नहीं गलत जाना चाहिए, वो चेक कर रहा है। हाँ तो वो अब चेक कर रहे हैं। और मैं सबसे आसान काम कर रहा हूँ कि मैं ये सारी तरतीब लगा रहा हूँ, और एंड पे मैं इनसे चेक करवाऊंगा कि यार रीचेकिंग होकर ओके है तो हम बंद कर देंगे। तो अब देखते हैं यार कितना टाइम लगता है। अभी तो रात के 3 बज गए तकरीबन, और सुबह के 5-6 तो इजीली बच जाने हैं, क्योंकि अभी तकरीबन कोई 50 को बनी है। और अब देखें कितना को टाइम लगता है रास्ते, अब दरमियान में भूख भी लगेगी यकीनन, तो हम बाहर से कुछ मंगवाएंगे भी। जिस भाई का निकाह है वो पिज्जा वगैरह तो खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है इनको। सॉरी, चोर पकड़ा गया, अब गैस घुस दिया, पकड़ेगा यार। इब्राहिम तेरी मेहरबानी, उठा ले इसको, इसको उठा ले, उठा ले इसको, इसको ऊपर कर ले, कर ऊपर करके दिखा कैसे करते हैं ऊपर। अच्छा सारी बात तो छोड़ो, इधर देखो मुंह खोलो। हाँ खाने पे फोकस, मैंने बोला है ना उसका खाने पे फोकस है। बासित और अली बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं इस वक्त, उनको थकन हो गई है। थक गए हो ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जोरों शोर से काम चल रहा है और मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त। मैं तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, थक गया। आरम की टांगे दर्द होने लग गई अभी से ही। इब्राहिम तेरी मेहरबानी, ऊपर कर ले, तेरी मेहरबानी। तो यार ये काम चल रहा है, देखो यार कब खत्म होता है। ऊपर से ऑर्डर किया हुआ माशाल्लाह, और मुझे लग रहा है वो बंदा भूल गया कि हमने शायद ऑर्डर किया था। इब्राहिम भूख लगी हुई है ना? मुझे लगी हुई है। हाँ देखा, मेहनत कर रहे हैं तो भूख तो लगेगी लगेगी। इतनी सारी मेहनत करेंगे भूख तो लगेगी ना। हाँ ना, पहले उसकी उजरत दे दी जाए बस। मैं दूं उजरत? आजा चले, उजरत दूं, समझ रहे हो? तेरा पसीना खुश्क होने से पहले नहीं उजरत दूंगा,
तुझे तब उजरत दूंगा जब तू पसीना आना शुरू होगा। तो यार जिसका इंतजार था ना वो आ गया, और इस वक्त यही मिल सकता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं खुला हुआ था। तो अब चलते हैं और खाते हैं। इब्राहिम तुना तुन खा रहा है और मेरा गर्क कर रहा है हर जगह का। जहाँ ये बैठकर खाएगा तो वहाँ ऐसा होगा कि ये सब कुछ नीचे गिराएगा। और माशाल्लाह से खाने का तरीका चेक कर रहे हैं। ना ना उसको टेंशन नहीं है, खाना जहाँ है वहाँ इब्राहिम है, ऐसे ही है ना इब्राहिम? हाँ जी। और हम ये देखो माशाल्लाह छोड़ दिया और उस प्लेट को आगे धकेल दिया कि अब आगे की तरफ चली जा। तो यार अब हमने खाना खा लिया और अली अली बातें काम पूरा करो। हाँ जी काम पूरा करो, टेंशन नहीं देनी यार भाई, हम काम पूरा करेंगे, दिहाड़ी पूरी। हाँ मैं दिहाड़ी पूरी दूंगा, मैंने आपको कहा ना। उसने गुस्सा निकाला वो सही पिट रहा है। मैंने बोला है यार भाई, मैंने बोला है, तुमने मुझे कहा है ना कि यार वो किसकी मजदूरी, मजदूर की उजरत। हाँ मजदूर की उजरत, उसके पसीना निकलने से पहले मैं देता हूँ इसको, इसके मैं पसीना निकलवाऊंगा। जी तो अब हम वापस बैक टू वर्क आ चुके हैं। ये देख सकते हैं हमारे मोहसिन साहब भी अब खुद अपना काम अपने हाथों से कर रहे हैं। अपना काम। मोहसिन कैसे लग रहा है यार आपको काम करके? अपना काम क्या मतलब होता है यार, आपके 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 घर का काम है ना। अभी पता नहीं बासित का है। मैं वही तो, बासित का तो सबको पता है। हाँ। लेकिन आपके तो बेसिकली अपने घर का काम है ना। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अलिया साहब तो तजर्बा कर रहे हैं, आप बताएं आपने अपनी शादी पे ऐसा कोई काम किया था? शादी कब हुई है? आपके दो बच्चे भी है यार, ऐसे तो ना करो यार। हमने लड़कियां ढूंढ रहे हैं अभी मेरे लिए। लड़कियां? वो पहली वाली ने जवाब दे दिया था ना, इसलिए ढूंढ रहे। चलो यार माशाल्लाह से बिद्दे तो पैक हो गई है सारी, सॉरी पैक नहीं हुई अभी, बन गई है। अब मेन जो प्रोसेस वाला काम है ना, इस पे डोरी लगाना करके, डोरी निकालनी है इसको, गिरा तो इलियास ने एक आइडिया दिया, कह रहा है ऐसे डोरी पकड़ो, ऐसे अंदर फेंको और बाहर लिख कर लगा दो, खुद ही बंद करते जाए। मस्त प्लान है। डोरी अंदरों के डोर। और अली बड़ा मुश्किल काम कर रहा है, डब्बे में कार्टन के अंदर तरतीब लगा रहा है। तरतीब लगाना मेरा काम है। असल में ना अली बचपन में ना पांडी होता था, इसका पांडी पुना का काम रहा है, तो कहता कार्टन मुझे अच्छी तरह पैक करने आता है। इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही है। अली डोरी नहीं बांध रहा तो वो आगे से क्या कह रहा है, बासित चूड़ियां ना पहन तू, खुसरों वाले काम ना कर। नहीं तो यार मुझे एक बात बता, ये खुसरों वाले काम कहाँ से आ गए जो डोरी ना बांधना? क्या खुसरे डोरी नहीं बांधते? बस यार इसका उठना बैठना ज्यादातर उन्हीं ने। दर्द हो रही है, ये हो गया। मुंह में अल्फाज अड़े हुए हैं, वो सिर्फ वीडियो देख के तो चुप हो गया। बंद भी खुद करना है यार, पहले प्रोना अच्छा। कैमरा खुलते साथ बासित जो है ना इतना शरीफ बन जाता है। पहले क्या कह रहा था अली को, कह रहा था मैं डालता जा, तू गांड मारता जा। यार वो गांड नहीं होता, वो गांड होता है, तुम लोग गांड में निकल गए हो। हमारी उतनी देश नहीं है। मैं चंगा पता गिरा कह रहा था बासित गांड वाला काम शुरू किया। यार अली मुझे एक बात तो बता, कितनी गांडे मार चुका है इस वक्त अभी तक? यार कैपेसिटी जितनी है अभी तक चल रही है। क्या गांडे? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सा। अच्छा मैंने एक हिसाब लिया, अली और मुझे दोनों को गांड मारने मजा आ रहा है। हाय हाय इतना सुकून। बासित बार बार कही जा रहा बहुत मुश्किल काम है यार, उसके लिए न्यारिया काम है। नहीं तो मतलब तेरे लिए क्या है यार? अरे यहाँ से मैं तो यूज्ड टू है ना। तू कहाँ से यूज्ड टू है यार? दोनों का नाम इकट्ठा जोड़ के आपस में यूज्ड। और एक मिनट, और एक मिनट, इलियास कहाँ से यूज्ड टू है? इलियास ये भी होता है? यार इतनी ज्यादा बिदे बन चुकी हैं,
और इतनी ज्यादा गांडे मारने के बाद ना अली का सूझ गया, समझ रहे हो, मुंह मुंह अली मुंह से गांड मार रहे थे यार, वो ऐसे मारना नहीं था। चलो यार बहुत थकन हो गई है यार, ये इतनी विदे बन गई है, अभी भी ये सारा पड़ा है, वो सारी बैकअप तो पड़ी है, बाकी सारे लेटे में मैं भी लेटूंगा, और मुझे लग रहा है कि अली भी लेट गया है, मैं तो जा रहा हूँ, एक विकेट डाउन हो गई, दूसरी भी जा रही है, मैंने सबसे ज्यादा की है, बासित तो लगा रहेगा सारी, अभी बासित अभी लगा हुआ है क्योंकि ये बार बार ब्रेक ले रहा है, बासित ने देर मारना शुरू किया है, ऐसे ना ये कोई तरीकाकार नहीं है, ये पड़ी हुई है, ठीक है, ये बासित भाई है, वो माशाल्लाह से निकाह जिनका होना है वो चेक करो जरा, वो लग रहा है निकाह जम के ना लेटे हुए हैं, निकाह नहीं होना इनका, अब निकाह हुआ है और ये लेट गए हैं, तो आप देख सकते हैं इस टाइम हमारी वो हालत हो गई है जो इस डब्बे की हमसे हालत हुई थी जब हमने पहले ट्राई की थी कि इसको बंद कैसे करना है, देख रहे हैं ये हालत होगी हमारी थकन से इस टाइम, ये बासित भैया सारा काम इन्होंने किया, इन द एंड आपको गांड मारनी आ गई है इसके ऊपर, लेकिन इनको भी छोटी वाली मारनी है, ये गांड इन्होंने ना छोटी छोटी मारी है ना, सही से बाहर नहीं आती है, ये मोहसिन भाई हैं जो कि सो के उठे और अब एक्टिंग कर रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम कर लिया मैंने, हाँ ये पता चल रहा है सो के उठा, लाश नजर आ रही है, हम लोग आपको फ्रेश नजर आ रहे हैं, शक्ल टाइम दिखाओ जरा अपने फोन में क्या टाइम हुआ, ये देखें ये टाइम हो चुका है, ये सुबह का टाइम है, तो आपने हमारे जवाब देखे बैठ गई है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है लाजमी, बेल आइकन दबाना है ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती है, भाई का निकाह भी तो दिखाना है ना आपको, उसके बाद छाती दिखानी है, उसके बाद दिखानी, अच्छा नहीं ठीक है, आपने ध्यान करना है इन चीजों का, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।